अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, होप यू ऑल आर फाइन। आज का हमारा पास अर्थमेटिक ऑपरेशन का या अर्थमेटिक नंबर का लेसन है। हमारे पास सॉल्व द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। पहले हमने क्या किया था, एडिशन के क्वेश्चन अलग किए थे, माइनस का क्वेश्चन अलग, मल्टीप्लाई का क्वेश्चन अलग, डिवीजन के क्वेश्चन अलग। इस तरह हमने अलग अलग करके किए थे काम। अब हमें क्या करना है, सारा काम एक साथ करना है, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले अपना एज ओपन करोगे। एज के वर्कबुक का काम ओपन करने के बाद आप लोग वर्कबुक के हेडिंग डालोगे, डेट लिखोगे, ठीक है। क्वेश्चन है सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय यूजिंग द हाइलाइटेड कीवर्ड, ठीक है। हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया गया है, देयर आर 26 डक्स इन अ पॉन्ड। तो हमारे पास एक तालाब में 26 बत्तखें हैं, 15 मोर डक्स ज्वाइन इन। तो हमने क्या किया, और मज़ीद 15 डक हमने उसमें डाल दिए, किसमें, तालाब में। हाउ मैनी डक्स आर देयर ऑल टूगेदर, तो टोटल बत्तखें हमारे पास कितनी हैं। तो आप लोगों ने पहले क्वेश्चन समझाया था, तो आप लोग ये क्वेश्चन खुद ही सॉल्व करोगे कि क्वेश्चन प्लस है माइनस है क्या है, ठीक है। अभी हमारे पास सारा हैज़ रुपीज़ 250, सारा के पास कितने पैसे हैं, 250, ठीक है। शी स्पेंड रुपीज़ 110 ऑन आ पेंसिल केस। तो उसने क्या किया है, 250 में से 110 का उसने पेंसिल केस ख़रीदा है। हाउ मच मनी डज शी हैज़ हैव लेफ्ट, तो उसके पास और बाकी कितने पैसे बचे हैं वो हमें मालूम करना है, ठीक है। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, द टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स इन 4 फ्लावर पॉट्स आर 7 × 4, फाइंड द नंबर ऑफ फ्लावर इन द पॉट ऑल टुगेदर। अब हमें कहा जा रहा है यहाँ पे, द टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स इन फ्लावर 4 फ्लावर पॉट्स आर 7 × 4। अब इसका मतलब है हमारे पास कि हमारे पास टोटल नंबर मालूम करने हैं किसके, फ्लावर्स के। हमारे पास 4 गमले दिए गए हैं, ठीक है, फ्लावर के 4 गमले हैं, आर 7 × 4। तो हम चारों गमलों में 7 फ्लावर्स हैं, उसमें हर एक गमले में 7 फ्लावर हैं। हमें क्या करना है, 4 फ्लावर गमलों के, 4 गमलों के फूलों की तादाद हमें मालूम करनी है। फाइंड द नंबर ऑफ फ्लावर्स इन द पॉट्स ऑल टुगेदर, तो टोटल हमारे पास गमले में कितने फ्लावर मौजूद हैं वो हमें मालूम करने हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करोगे। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, मरियम शेयर 15 ऑरेंजेस अमंगेस्ट 3 ऑफ हर फ्रेंड्स। मरियम ने क्या किया है, मरियम के पास 15 ऑरेंजेस थे, मतलब नारंगियाँ थी, तो उसने शेयर की है 3 दोस्तों में। हाउ मैनी ऑरेंजेस विल ईच ऑफ मरियम्स फ्रेंड्स गेट, तो हर एक फ्रेंड को मरियम ने कितने नारंगियाँ, मतलब ऑरेंजेस दी है। तो ये है डिवाइड का क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने क्या किया, जब हमारे पास बड़ी वैल्यू होती है वो हमेशा डिवाइड के अंदर होती है, बड़ी वैल्यू हमेशा डिवाइड के अंदर होती है और छोटी वैल्यू हमेशा इस साइड लेफ्ट हैंड साइड पे बाहर होती है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमें मालूम करना है कि 3 के टेबल में 15 कितने टाइम आता है। तो चलिए हम 3 का टेबल पढ़ते हैं, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15। तो हमारे पास 15 कितने टाइम आता है 3 के टेबल में, 5 टाइम, 3 × 5 = 15। तो हमने क्या किया, हमें इनको माइनस करना है, 1 में से 1 गया तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, 5 में से 5 गया हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। तो क्या करना है हमें, ईच ऑफ मरियम्स फ्रेंड्स विल गेट 5 ऑरेंजेस। तो हमें हमारे पास आंसर क्या है कि मरियम ने अपने हर एक फ्रेंड को 5-5 नारंगियाँ दी हैं। आई बात समझ में, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।